तो दोस्तों आप लोग का स्वागत है एक नए ब्लॉग में। और अभी हम जाने भाई चर्च चर्च में जाकर और आप लोगों को दिखाते हैं, जो कि कोलकाता का वन ऑफ द बेस्ट चर्च है। और मैदान मेट्रो स्टेशन से आप लोग आइएगा, मेरे पीछे मैदान मेट्रो स्टेशन है इधर भाई, और सारे लोग जो पीछे से आ रहे हैं ना सभी लोग जा रहे हैं आगे चर्च। तो चलते हैं भाई, आप लोग को चर्च दिखाते हैं। और आज है 24 दिसंबर, कल 25 है, आज ही से मतलब सारे लोग रात में पूरा सेलिब्रेट करेगा लोग। तो हम भी आज आए हैं सेलिब्रेट करते हैं यहाँ पर, कल ऑफिस में किया और आज कोलकाता के सबसे बेस्ट वन ऑफ द साइलेंट चर्च में जा रहे हैं। और वहाँ पर जो कि 1847 में उसका बना हुआ था भाई, तो वहीं पर चलते हैं और आप लोग को दिखाते हैं। चलो भाई आगे चलते हैं, खुला होगा तो दिखा देता है। इसका भी एंट्री फी भाई लगता है। और आगे जाएंगे तो बिरला प्लैनेटेरियम, यहाँ पर मतलब बहुत मेजर अट्रैक्शन प्लेस है, बहुत लोग हैं। और भाई इधर चलो दिखाते हैं, ये है इलियट पार्क, सॉरी मिलेनियम पार्क नहीं, इलियट पार्क है, ये इलियट पार्क है। अभी पता नहीं बंद है कि खुला है, हमेशा बंद ही रहता है, जब आते हैं तब बंद ही रहता है, ये खुला वाला नहीं रहता। और चलो आगे चलते हैं। यहाँ पर भाई खाने वाने पीने के लिए पानी वानी सब की व्यवस्था है, इधर सब चीज़ की व्यवस्था है इधर। चलो आगे चलते हैं। और इधर एक पतला सा रास्ता बनाया गया है, इसी रास्ते के थ्रू जाना है। इधर है ये पतला वाला रास्ता, ये सीधे चला जाएगा वहाँ पर जहाँ पर हमको जाना है, चर्च भी जाएगा, चर्च बिरला प्लैनेटेरियम के जस्ट पास में है। चलो भाई इधर से चलते हैं, आगे से चलते हैं हम भी। यहाँ पर रोड पर ऐसे ऐसे सामान मतलब बिक रहा है लोग, और ये भाई पूरा मतलब गाड़ी वाड़ी एकदम से चलता रहता है। और वहाँ है भाई चर्च, आप लोग भी अगर यहाँ पर आते हैं तो ज़रूर आइए। 25 दिसंबर को यहाँ पर बहुत ही अच्छा से मनाया जाता है, एक यहाँ पर मनाया जाता है और एक जो है कोलकाता पार्क स्ट्रीट में मनाया जाता है। तो यहाँ पर बहुत कुछ देखने लायक है जो आप लोगों को हम दिखाएंगे। और ये तो भाई यहाँ पर तो मैं हमेशा आता जाता रहता हूँ, हमेशा आता हूँ। तो चलो भाई ज़्यादा दूर नहीं है, पास में 5 मिनट लगेगा मैदान मेट्रो स्टेशन से, ओनली 5 मिनट्स। इधर से भी जाने का रास्ता है, ये लोग जो भी है देखकर इधर से रिटर्न जा रहा है लोग। इधर भाई गाड़ी बहुत फास्ट चलती रहती है इधर, देख लो, और इधर सभी लोग जा रहे हैं। जैसे ही आप लोग आगे आइएगा ना तो एक मिलेगा डेडिकेटेड टू कोलकाता बाई ITC लिमिटेड ऑन ओकेजन ऑफ कोलकाता 1990 में, ये भी एक बना हुआ है पार्क तरह का है। लोग आते हैं बैठते हैं यहाँ पर। और चलो भाई वहाँ पर कुछ स्टैचू बना है वो दिखा देते आप लोग को, तो चलते हैं रोड के उस पार भाई, बचकर रोड के उस पार भाग लो। चलो दिखाते हैं आप लोग को, ये भी एक छोटा सा पार्क है, इधर आते हैं लोग शाम को आकर बैठते हैं और रात में अच्छा लगता है, लाइट वाइट जलता है पूरा। चलो आगे चलते हैं भाई। और सामने मेरे बिरला प्लैनेटेरियम है उधर बगल में, वहाँ भी चलेंगे और उसके जस्ट आगे ही आपको वो मिलेगा। अरे बाबू गिर जाओगे। ये पार्क है, बहुत ही अच्छा पार्क है भाई, इंदिरा गांधी जी का बना हुआ है स्टैचू, इसमें इंदिरा गांधी है और ये पार्क है, और यही चार माथा मोड़ है, यहाँ से ना सब जगह जाने के लिए मिलता है गाड़ी वाड़ी। और राइट साइड चला जाएगा बिरला प्लैन
विक्टोरिया मेमोरियल राइट साइड में आपका चला जाएगा, और इधर है भाई बिरला प्लानिटेरियम, और आगे चला जाएगा चर्च, और मैदान भी इसी साइड है। पार्किंग स्ट्रीट में और ज़्यादा भीड़ होता, बहुत ज़्यादा भीड़ होता भाई। अभी गाड़ी रुकी हुई है, जल्दी से चल चलो। बहुत भीड़ है, बहुत। इसके अंदर भी भाई टिकट कटाने के लिए इतना बड़ी लाइन लगी हुई है बिरला प्लानिटेरियम के अंदर। इसके अंदर क्या होता है ना कि स्टार्स का ओरिजिन कैसे हुआ, अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ, ये सब चीज़ के बारे में बताया जाता है। भाई कितना भीड़ है। ये आपका ना क्या हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली तीन लैंग्वेज में दिखाया जाता है ये जो वीडियो है उधर। इसका भी मैंने ब्लॉग बनाया, आप लोग देख सकते हैं, लिंक नीचे लिंक दे दूंगा। वहाँ पर टाइमिंग भी शो कर रहा है 4:15 में हिंदी भाई चलता है, अभी हिंदी वाले चलेगा। और रात में तो भाई इधर बहुत अच्छा लगता है, रात में नाइट में मस्त मस्त लगता है। फिर फाउंटेन मस्त लगता है रात में, लाइट वाइट जलता है ना और सुंदर लगता है। अभी भी जल रहा है लेकिन पता नहीं चल रहा है, और रात में बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत लोग हैं भाई, जाया जाता है, और इंट्रेंस इसी इधर सही है। चलो आप लोगों को चर्च दिखाते हैं भाई। कैब भाई 10 रुपये के बेच रहे हैं, 10 रुपये कैब मिलता है। और टिकट विकेट क्या प्राइस क्या है थोड़ा सा दिखा देते आप लोग को, यहाँ पर लिखा हुआ है। चलो भाई चर्च चलते हैं। चर्च में आज एंट्री फी लगता है, एंट्री फी लगा हुआ है क्या, एंट्रेंस इतना भीड़ है, बहुत भीड़ है भाई चर्च। ये है बिरला प्लानिटेरियम, बिरला प्लानिटेरियम के जस्ट बगल में चर्च। चलो भाई चर्च के अंदर चलते हैं और दिखाते हैं, जहाँ तक कैमरा अलाउ होगा वहाँ तक दिखाएंगे आप लोग। बंद करके गेट रखा हुआ है लोग। यही है भाई चर्च, इसी के अंदर से जाया जाता है। मैं 2 बार इसके अंदर जा चुका हूँ, ये दूसरी बार है, और गुलाब को खुल दिया है, आप लोग जाकर वहाँ पर प्रे कर सकते हैं। ये रहा गुलाब को खुल, कितना रुपये का है, कितना टका, 20 रुपये एक। तो भाई 20 रुपीज़ रोज है, आप खरीद सकते हैं यहाँ खरीद कर और वहाँ पर जा सकते हैं। तो चलो देखते हैं एंट्रेंस का क्या है क्या नहीं है। बंद करके रखा हुआ है, कुछ नोटिस लिखा हुआ है, चलो दिखाते हैं। आज क्लोज कर दिया भाई, ये देखो द कैथीड्रल चर्च एंड कैंपस विल बी क्लोज टुडे एट 1 PM बाई ऑर्डर। किसके ऑर्डर से, बाई ऑर्डर खाली लिखा हुआ है, क्लोज है। यही है भाई, देख लो भाई 10 बजे खुलेगा रात में, अगर किसी को भी आना है तो देख लेना यहाँ पर। कितना
टूटा रहे हो कुछ दे दीजिएगा ठीक है, इतना मेहनत से लोग बनाते हैं। देखो दोस्तों कुछ डिजाइन बना हुआ है यहाँ पर जस्ट चर्च के सामने। चलो भाई एंट्रेंस तो नहीं है, 10 बजे है, 10 बजे ले कौन इंतजार करेगा। पैसा क्या करोगे, खाओगे? स्कूल का फीस पढ़ते हो कौन सी क्लास में? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फोर में। सच बोल रहे हो? चलो भाई अब चलते हैं, यहाँ पर तो खुला नहीं है, अब 10 बजे रात में खुलेगा, कौन जाएगा 10 बजे रात में। और चलो चलते हैं दूसरे जगह दिखाते हैं, और इधर से थोड़ा साइड में थोड़ा दिखा देते हैं, इधर से दिखता है तो।